अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट है ईस्टिंग नॉर्थिंग की। तो एज पर ड्राइंग एक्चुअल कोऑर्डिनेट हैं, तो इसमें इसको बनाते वक्त हमें एक दो प्रॉब्लम पेश आती है। तो वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, देखें, ये हमारे पास ये 11 कोऑर्डिनेट है, 11। तो इसकी जगह अगर 200 या 400 कोऑर्डिनेट होते और इसी शीट के ऊपर हम कहते कि आ जाएं, तो किस तरह आएंगे हम? ये जो लाइनें हैं ये हमारे पास थोड़ी लाइनें हैं नीचे वाली, तो इसको, इन लाइनों को हम कैसे बढ़ाएंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे इसी शीट के अंदर। उसके बाद ये एक जो हमारे पास रो है इसकी विड्थ ज़्यादा है और नीचे वालों की कम है, ये किस तरह हम जो है वो करेंगे, ये तरीका मैं आपको बताऊँगा। और तीसरे नंबर पर अगर हमारे पास वो ज़्यादा कोऑर्डिनेट हैं और ज़्यादा पेज जो है वो A4 में प्रिंट होके बाहर आएंगे, तो इतनी जगह के ऊपर ना सर्वे टीम, ना के उसी, ना जो हमारा PDO है, क्लाइंट है, वो साइन कर सकता है कि हमें ये चाहिए। अगर 20 हमारे पास पेज हमने प्रिंट लेने हैं तो लास्ट वाले पेज पे ये चीज़ आए। और उसके बाद ये जो फ्रंट पे है, सबसे स्टार्ट पे है कि GPS का लिखा हुआ है, टोटल स्टेशन का लिखा हुआ है, ड्राइंग रेफरेंस नंबर, RFI नंबर, ये सब कुछ हर पेज पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर पेज पे आएगा तो वो भी हमारा पेज ज़ाया होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेज को आपने बढ़ाना क्या है, क्योंकि ये हमें कंपनी ने फॉर्मेट दिया है, इसके अलावा हम अपनी तरफ से तो बना नहीं सकते, तो इसी फॉर्मेट को हमने कैसे इंसर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक साइड के, जैसे मैंने ये 25 नंबर वाली रो को पकड़ा, लेफ्ट क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं ये लिखा हुआ है इंसर्ट रो बिलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक, एक ही लिखेंगे तो एक बढ़ेगी नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो जैसे ही मैं इंसर्ट रो बिलो के ऊपर क्लिक करता हूँ माउस का, तो ये देखें हमारे पास ये लाइनें बढ़ के आ गई हैं। इस तरीके से आपने उसी फॉर्मेट के अंदर अगर लाइनें बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने लाइनें डिलीट करनी हो तो वो आप किस तरह करेंगे। ये मैं 3-4 लाइनें साइड से ही पकड़ रहा हूँ माउस से, उसके बाद राइट क्लिक करके ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ गया डिलीट का। तो जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ तो उतनी लाइनें हमारी जो है ये कम हो गई हैं। अभी इसके बाद ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये एक जो लाइन है 11 नंबर, इसकी विड्थ ज़्यादा है और नीचे वाले की कम है। हम चाहते हैं कि सब की विड्थ जो है ना लाइनों की एक जैसी आ जाए, कोऑर्डिनेट जो हैं वो प्रिंट में अच्छे हैं। तो इसकी हम जो हाइट है ना इसकी, वो चेक कर लेते हैं और फिर सब की कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लेफ्ट राइट क्लिक सॉरी करें और उसके बाद लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है रो हाइट, यहाँ पे आपने माउस का क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो लिख रहा है यहाँ पे 29.75 एक जो रो है उसकी हाइट है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अभी मैंने ये सारी की सारी लाइनें जो हैं ये नीचे वाली, इनकी हाइट ज़्यादा करनी है। अगर आप एक एक सेलेक्ट करेंगे, देखें मैं अभी ये 24 वाली कर रहा हूँ, ये मैंने जी कर दी है ये वाला। अभी मैं इसकी हाइट चेक करता हूँ, हाइट मैंने जैसे ही चेक की रो हाइट से, तो देखें इसकी 31 आ गई है। तो इस तरह जो है वो अच्छा नहीं है, किसी की ज़्यादा आ जाएगी, किसी की कम आ जाएगी खुद मैनुअल पकड़ के, तो वो सही नहीं है। आप चाहते हैं कि एक ही दफ़ा में सब के सब सेम आ जाएं, तो आप यहाँ से हम इसको ओके करते हैं और जिधर से स्टार्ट करना है यहाँ से पकड़ के सारे हमने सेलेक्ट कर लिए और राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये रो हाइट आ गया और यहाँ पे हम वो हाइट लिख देंगे, 29.75 था तो हमने लिख दिया 29.75। तो ये मैंने लिख दिया और ओके किया, तो देखें ये सारी की जो विड्थ है ना वो एक जैसी ऊपर जैसी आ गई है। तो इस तरीके से जो है वो विड्थ आप ऐसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।